स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माध्यमिक एग्जाम रूटीन 2022 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10 का यानी माध्यमिक जो बच्चे 2022 में देने वाले हैं, क्लास 10 का एग्ज़ाम जो बच्चे 2022 में देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम रूटीन को आज रिलीज कर दिया गया था, जो कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा 7 मार्च 2022 को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। ये मैं पिछला ही वीडियो में बताया था कि भाई माध्यमिक का जो एग्ज़ाम है ये आपका 7 मार्च 2022 से स्टार्ट हो रहा, बट मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपको डिटेल डेट शीट के साथ एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन सा तारीख को कौन सा एग्ज़ाम है। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अगर आपके पीडीएफ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया रहेगा, वहाँ से आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है 11:45 से लेकर के 3 बजे तक चलेगा, 11:45 माने 11:45 से लेकर के 3 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा, जिसमें 15 मिनट आपको जैसा कि जानते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिलता है कि अच्छे से आप क्वेश्चन पेपर को रीड करिए और 3 घंटा लिखिए। ओके, आइए कौन सा तारीख को कौन सा एग्ज़ाम होगा हम बात करते हैं। 7 मार्च 2022 को फर्स्ट लैंग्वेज है मंडे दिन पढ़ रहा है, 8 मार्च 2022 ट्यूजडे दिन पढ़ रहा सेकेंड लैंग्वेज है, 9 मार्च 2022 को वेडनेसडे पढ़ रहा है ज्योग्राफी है, 11 मार्च 2022 को फ्राइडे पढ़ रहा है मतलब एक दिन का गैपिंग है हिस्ट्री है, 12 मार्च 2022 को सैटरडे पढ़ रहा है आपका लाइफ साइंस है, 14 मार्च 2022 को मंडे पढ़ रहा है जिसमें भाई गैपिंग एक दिन का है मैथमेटिक्स का, 15 मार्च 2022 ट्यूजडे पढ़ रहा है फिजिकल साइंस है, और 16 मार्च 2022 वेडनेसडे पढ़ रहा ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट। ओके, तो ये आपका एग्ज़ाम रूटीन है, आप लेकर के नोट डाउन कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पे आप पहले बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है इसलिए क्लास 10 के जितने बच्चे हैं उन तक क्या करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।